are ready? Silence! Ready, go camera! Rolling. Yes, sir! Yes, sir! Masai! Good, okay. सर ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं दामा जी, सर का आदेश था, सर ने बोला कि हम लोग सब मिलके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमने पूरी टीम विद राइटर हमने टीम पूरी इकट्ठा किया और फिर बड़ी पॉजिटिविटी सर की, हरी सर की स्टोरी है, सर ने बड़े काफ़ी टाइम के बाद इन्होंने काफ़ी टाइम रिसर्च किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने फाइनल राइटर के पास बैठ के हमने एक कॉन्सेप्ट दिया और एक पॉजिटिविटी कॉन्सेप्ट है जो कि एक बहुत अच्छा सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जो मतलब पूरी फिल्म में स्टार्ट टू एंड तक बांधे रखती है और हरीश सर ने मतलब इतनी बेहतरीन प्रोड्यूसर होते हुए भी उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, अच्छा बाकायदा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमारे DOP साहब राजेश कनौजिया जी, इन्होंने बहुत भरपूर मतलब जो हमारी पूरी टीम का सहयोग दिया जिससे हमें एक पॉजिटिविटी एनर्जी आई। सर आपने जैसे उनका प्रोड्यूसर भी हैं, आप निर्माता भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए, आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनका चलना और फिल्म करे आई और फिर चले सर? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ मैं जो आप हमारे सेट पे आए और बाकी जो हमारे पवन जी है, राजू जी है, उनके होते हुए इन दोनों के होते हुए मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई जिम्मेदारी भी है, सारा काम वो संभाल लेते हैं। बाकी हमारे आर्टिस्ट, हमारे टेक्निस्ट सारे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पहले से लास्ट तक उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया कि लगता नहीं कि हम पढ़ाए हैं, ऐसा लगता कि मैंने बहुत पिक्चरें बनाई है, बल्कि मेरी पहली पिक्चर है ये, पहली पिक्चर है। तो आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप कलाकार के तौर पे ज़्यादा काम किए और निर्माता बनना कितना बड़ा चुनौती था आपके लिए, जो हम इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं और जो किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, बताइए। सब निर्माण के लिए, निर्माता के लिए तो बहुत कुछ तकलीफें आई और आगे भी आएगी, लेकिन हमारे सहयोगी जो हैं राजू जी, पवन जी, उनकी वजह से काफ़ी तकलीफें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, ऐसा लगता नहीं कि मैं तकलीफ में हूँ या आऊँगा और आसानी से बहुत अच्छी पिक्चर बनी और पिक्चर ऐसी बनाई है क्योंकि मैं भी एक ऑडियन की तरह पिक्चर देखा है और देखता हूँ कि ऑडियन को क्या चाहिए, ऑडियन कैसे बैठेगा, तो वो सब ध्यान में रखकर हमने वो स्टोरी मैंने उनको पवन जी को बताया, उस हिसाब से उन्होंने राइटर से स्टोरी एडिट कर। सर मैं इस पिक्चर में एक नौकर हूँ, मेरा नौकर रोल है, हवेली केयर टेकर हैं जो कि पूरी हवेली उनके अंडर में, और चार लड़के जो आते हैं फिल्म में वो एक्चुअली में पिकनिक, चार कपल्स आते हैं, पांच कपल्स, तो पूरी फिल्म में मतलब वो आते हैं और फिर वो कैसे कैसे फंस जाते हैं, पूरी फिल्म में सस्पेंस है, कॉमेडी है, मर्डर मिस्ट्री है। सर के अलावा जो कास्ट में है कोई? हाँ सर, एक्चुअली में हमारे यहाँ जो कास्ट है, रूपा जी हैं और चंदन राणे जी हैं, सब न्यू कास्ट है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट इतना मतलब भरा हुआ सब्जेक्ट है जो कि मतलब ऑडियंस को मतलब जोड़ के रखता है, पूरी सस्पेंस अपनी फिल्म में कहीं भी मतलब ये नहीं है कि हमें। हाँ, फिल्म का मैसेज है कि देखिए कभी भी किसी के ऊपर आँख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता, कभी भी
फिल्म में आप ये दिखाया है कि आप जो किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हो तो कभी ना कभी आपको धोखा भी करता है, इसीलिए कभी भी किसी के साथ उतना ही भरोसा करो जितना कि एक जायज है। गीतकार हैं हमारे फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हर्ष शर्मा जी हैं, जो उन्होंने काफ़ी फिल्में की है, ए आर रहमान साहब के जो सुशेष उनके साथ काफ़ी किया है, फिर राजीव मोना जी हैं और रानी हजारिका जी का पार्टी सॉन्ग है, टिप्पू जैन जी का आइटम सॉन्ग है, विनोद राठौर साहब है, मतलब सारे गीत जो हैं उसमें भरे हुए हैं, सारे मार्केटिंग सिंगर्स हैं। शूटिंग शेड्यूल आगे कहाँ होने वाला है इसके अलावा? सर हम लोगों ने पूरी फिल्म की शूटिंग शेड्यूल भोपाल में कंप्लीट किया है और हम लोग मतलब फिल्म आज हमारा ये फाइनल है लास्ट में। शुरू से पूरा भोपाल में शूट किया है, बहुत अच्छी है, पूरा सस्पेंस है और अगर हम लोग इसमें कुछ बताना नहीं चाहते स्टोरी का क्या है क्या नहीं है, इसके लिए पब्लिक आके देखे तो ज़्यादा अच्छा है, इनका क्या रोल है बाकी क्या है। सर पर्दे पे तो 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक है कोशिश पूरी कि जल्द से जल्द। किरदार तो मेरा बहुत ही अच्छा है, एज अ लीड रोल कर रही हूँ और जो फिल्म का टाइटल है बदतमीज लव, इसमें जो घूम फिर के किरदार आ रहे हैं कुछ है बदतमीजियाँ हैं इसमें, मैं कभी शॉक नहीं करूँगी, मैं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा देखने के लिए। और हमारे धामा जी जो प्रोड्यूसर हैं इसमें एक बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और हमारी गुरु जी हैं चंदन जी हैं और जोया जी हैं भी लीड कर रही हैं और महल जी लीड कर रहे हैं, बहुत सारे कैरेक्टर इसमें 5 कपल्स हैं इसमें और बहुत अच्छी फिल्म है और ये देखिए बहुत पारिवारिक फिल्म है, कुछ अच्छा सोचा है धामा जी ये इस फिल्म को लेकर, एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये सपना था इनका ये प्रोजेक्ट करने का और इसमें मुझे इन्होंने कास्ट किया, इसके लिए अटैच शुक्रिया, पवन जी डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे कास्ट किया, कन्होजिया जी ने मुझे कास्ट किया था, बड़ी फिल्म मुझे अच्छा लगा। किरदार मेरा इसमें एज अ लीड रोल है और इसमें मैं एक प्रिया करेक्टर का प्ले कर रही हूँ और हमारे जी हमारे प्रोड्यूसर हैं चंदन जी हैं जोया जी जैसे बताएं और रोहन जी, 5 कपल है जो एक टूर के लिए निकलता है, कुछ घटनाएं होती हैं कुछ घटित होता है, सो इसमें जो टाइटल है बदतमीज लव उसमें ले दे के एक इसमें कुछ है जिसके टाइटल रखा गया है बदतमीज लव, लड़के हैं कुछ बदतमीजी हैं करते हैं पब्लिकों को जो काफ़ी पसंद है पसंद आएंगे हाँ। और हमारे डायरेक्टर हैं पवन सर और आप लोगों ने मुझे कास्ट किया, बहुत अच्छी स्टोरी है और पारिवारिक फिल्म है साफ सुथरी फिल्म है, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा और मैं साफ सुथरी फिल्म है। पहले तो मैं सारे मीडिया लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए और हम लोग को मौका मिला, इस फिल्म को लेके हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके, और मैं अपने डायरेक्टर पवन जी और हमारे दामा सर प्रोड्यूसर और DOP राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो काफ़ी सपोर्ट किए और काफ़ी हम लोग मेहनत से काम किए और हमारे सारे लोग रोहन जी और जोया और हमारी हीरोइन रूपा जी सब लोग एक बहुत अच्छा मिलके हम लोग ने काम किया और काफ़ी मेहनत के साथ काम किया, और इस फिल्म में जो भी सारी चीज़ें हैं वो पब्लिक जब देखेगी उसे बहुत अच्छा लगेगा और एक मैसेज जाएगा कि आज के डेट में जो घटना है जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही है तो उस पर थोड़ा सा उनके पेरेंट्स तो जब पब्लिक जाएगी मूवी देखने तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी जी बिल्कुल, एक
कॉमर्स के ऊपर और एक बहुत ही अच्छी मूवी है, इसके अंदर कोई गंदे सीन्स नहीं है, बेसिकली क्लीन बहुत मेन मूवी है। और जो हमारे दामा जी हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया, हमें अच्छा मौका दिया इस मूवी के अंदर काम करने का, और मेरे फर्स्ट प्रोडक्ट एज अ मूवी के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। और जो ये मूवी है, ये बेसिकली एक पारिवारिक मूवी है, इसको फैमिली भी देख सकती है, ये नहीं कि कुछ ज़्यादा रोमांटिक सीन है, इसमें हंसी मजाक भी है और रोमांस भी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, तो आप सब इसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। मैं पूरी मूवी में सब लोग तो हंसा रहे हैं सबसे पहली बार, और मेरा कैरेक्टर है विकी नाम का, और फिल्म बहुत ही अच्छी है, कमाल की फिल्म है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जैसा इन्होंने दुर्गा जी ने कहा बदतमीज कब है, हम लोग बदतमीजियाँ कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, और बहुत ही पूरी टीम बहुत ही कॉपरेटिव थी, बहुत मजा आया। थैंक यू डामा सर, हमारे डायरेक्टर पवन सर और डी ओ पी राजू दादा, बहुत अच्छा काम लगा, और आई होप आप लोग को ये मूवी पसंद आएगी, और बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, मतलब पूरी तीसरी फिल्म है, तो बहुत कुछ सीखने मिला, और एक कैरेक्टर को जीने का मजा कुछ और होता है, जब कॉमेडी कर रहे हैं, और ऐसी ही चीज़ें हैं कि मेरे साथ क्या होता है कि मेरी बातें मेरी गर्लफ्रेंड पूरी करती है, मैं आधा छोड़ जाता हूँ वो पूरी करती है, और पूरी जर्नी बहुत ही कमाल है, सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे पंचेस हैं जो आप लोग जब देखोगे तो बहुत मजा आएगा, और पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, आई होप आप लोगों को पसंद है। बेसिकली कॉमेडी ज्यादा इन्हीं की है, और इन्हीं के पंचे मूवी के अंदर बहुत अच्छी जान इन्होंने डाली हमारी मूवी के अंदर, बिकॉज़ बहुत कॉमेडी कर रहे हैं। स्क्रिप्ट मिली थी तो उसमें कुछ था ही नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो मैंने इनपुट डाले, जब सर ने कहा करो करोगे आप, मैंने कहा करूंगा, पढ़ा तो मैंने लाइन सी, मैंने कहा ऐसे मेरे पास वॉइस की बहुत पंचे जा रही, और कोशिश की कि वो सारी चीजें हमारे डायरेक्टर के थ्रू इन्होंने किया। सर और बहुत कॉपरेट इम्प्रोवाइज उन्होंने बताया, वो उस तरह से करते गए, तो डायरेक्टर सर का बहुत कॉपरेटिव, हम लोग की मतलब कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो सारी चीज़ें। सबसे अच्छी चीज़ थी उन्होंने खुला छोड़ा, आपको जो करना करो, जो नहीं जो सही नहीं है उसे कट करो, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये बताइए अपने लोगों को काम किया, नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कितने उत्साहित हैं इस बात को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर, काफ़ी सारे नए लोग हैं प्रोजेक्ट में आपके? हाँ सर, तो इस पिक्चर के लिए मैंने जो स्टोरी चुना सब्जेक्ट, तो मुझे लगा कि सस्पेंस स्टोरी है, तो उसमें नए कपल की मुझे जरूरत थी, उसके अंदर मुझे लगा नए कपल ही काम कर सकते हैं, सस्पेंस है, सस्पेंस में कोई अमिताभ की जरूरत नहीं है, वो बड़े स्टार है, वहाँ तक हम नहीं है, पहुँचेंगे। सर रूपा जी के बारे में क्या कहूँ मैं, इन्होंने इतना कोऑपरेट किया हमको कि लगता ही नहीं है कि हम नए ये पुराने, ऐसा लगता कि दोनों पुराने हैं दोनों नए हैं, एक घर जैसा रिश्ता, भाई जैसा, लगता नहीं कि वो हीरो नहीं है, जब ये हमारा शो खत्म होता था तो ऐसा लगता था कि हम फैमिली की तरह हम लोग ने काम किया, इसमें हंसना मजा करना मस्ती करना, एंजॉय करते हुए काम किया, और काम के प्रति सबका मेहनत लगन बहुत बजे खत्म, 9 से 12 होता था तो कोई आर्टिस्ट नहीं बोलता था भाई हम थक गए, क्योंकि सबके अंदर एक जुनून था मतलब काम करने का, सब तो ये नहीं लगता था कि मतलब हमको नहीं नहीं ठीक है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना है बस काम करना। थैंक यू। अभी दो जा छोड़ के जाओ।
मोहन रुक मेरा हो गया रोशन नहीं पहले ये मारा फोटो दो लेने फोटो दे ले धूम में आ गया धूम में ना थोड़ा और इधर तू धूप चलिए आजा ग्रुप एक ले लो ना बस हम लोग जा अभी ले अभी ले पीछे आजा साइड में जरा ठीक है अभी सही है ना अभी तो दे मैं कब से बोल रहा हूं वो मैं जो लाइटिंग ही थोड़ा बीच हो गया तेरा राजी साथ